वेलकम बैक इन आयशा का किचन। आज आयशा बना रही है भरवा भिंडी। भरवा भिंडी के लिए मैंने भिंडी ली है। भिंडी को आगे और पीछे से कट करके बीच में से इसे इस तरीके से मैंने कट कर दिया है। इसे मैंने कट करने से पहले बहुत अच्छे से नमक के पानी से धोया था। एक टमाटर लिया है, इसे बहुत छोटे छोटे पीस में कट किया है। एक प्याज लिया है, इस प्याज को भी मैंने बहुत फाइन चॉप किया है। एक प्याज लिया है, इस प्याज को मैंने फाइन चॉप किया है। ये मूंगफली के दाने हैं, इसे मैंने सेक कर छिलका निकाल कर पीस लिया है। ग्राउंड नट इसे कहते हैं। इसमें नमक और मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स करना है। थोड़ी सी हल्दी ली है, एक चम्मच लहसुन अदरक पिसा हुआ लिया। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस मसाले को हम इस भिंडी में अच्छे से फील करेंगे। ये सभी भिंडी में हमने मसाला फील कर दिया है। मैंने कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है, सबसे पहले हम इसमें एक चम्मच जीरा फ्राई करेंगे। जीरा फ्राई हो गया है। जीरा फ्राई होने के बाद हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे। प्याज हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसे हमें लाइट ब्राउन रखना है। ये प्याज का कलर बदलना शुरू हो गया है, हमें बस प्याज ऐसे ही फ्राई करना है। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर डालने के बाद हम इसमें भिंडी डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है। भरवा भिंडी की एक रेसिपी पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ, ये हमारी दूसरी रेसिपी है। ये भिंडी को हमें लो फ्लेम करके बनाना है और इसे हम गलने तक पकाएंगे। करीब 5 मिनट इसमें हमें लगेंगे। ये भिंडी हमारी गल चुकी है, अब इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद हम एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये सब्जी हमारी कंप्लीट है, इसे डिश आउट करके देखते हैं। फ्रेंड्स, ये भिंडी को हम हरा धनिया डाल के सर्व करेंगे। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।